हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज हम रिव्यू करने वाले पोको H2 डिवाइस का, जहां पर देख सकते हो ये है मेरे हाथ में पोको H2 का डिवाइस। और यार आपको पता रहेगा कि मैंने और एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर काफ़ी दिनों पहले, और वहां पर से मैंने आपको बताया था कि पोको H2 के जो कि फाइनल रिव्यू की वीडियो रहेगी, इसके बाद पोको H2 के रिव्यू की वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन उस वीडियो बनाने के बाद कुछ जो कि प्रॉब्लम्स थी जो कि फ़ोन में मुझे देखने के लिए मिली, और मैंने सोचा कि अब जो कि लॉकडाउन चल रहा है उसे ख़त्म होने के बाद आप जो कि पोको H2 है फ़ोन बाय करने के बारे में सोच रहे होगे या फिर बाय करने वाले हो, तो मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो कि मुझे प्रॉब्लम कुछ इस फ़ोन में फेस करने के लिए पड़े उसी के बारे में इस वीडियो के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके स्पेसिफिकेशन और जो कि अदर कुछ जो कि फीचर्स के बारे में जानना है तो आई कार्ड में आपको वीडियोज देखने के लिए मिलती रहेगी, तो आपका जैसे इंटरेस्ट वैसे आप जो कि वीडियो वहां पर से देख सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करना है बिल्कुल भी मत भूलेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको पोको H2 के बारे में हर वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और हाँ भाई, पोको H2 के बारे में बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई कार्ड में पूरी की पूरी पोको H2 की प्लेलिस्ट दी है, जहां पर जाकर आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो देख सकते हो। और हाँ गाइस, इस जो कि वीडियो में इसका कुछ जो कि स्पेसिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ मैं बताते नहीं बैठूंगा, तो ये इसके अगर स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो पोको H2 स्पेसिफिकेशन, तो आपको सारी देखने को मिलेगी। बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इससे जो कि यूज़ करने के बाद, जो कि 2 महीने में मैंने इसे जो कि यूज़ किया तो मुझे क्या कुछ जो कि प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे देखने को मिली वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। तो पहले प्रॉब्लम की बात कहते हैं ये है यार, इसका जो कि ग्लोसी है ना सरफेस, पीछे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन अप्लाई की है, इसके पीछे के साइड में आपको है ना एक ग्लॉसी बैक पैनल देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ग्लास का पूरी तरह से स्ट्रक्चर आपको पीछे के साइड में देखने के लिए मिल जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप इसे कहीं भी ऐसे जो कि जगह पर रखते हो जो कि काफी ज्यादा ग्लॉसी है तो ये है ना बड़ी आसानी की तरह से वहां पर से गिर जाता है। तो हाँ भाई, ये मतलब काफी ज्यादा स्लिपरी डिवाइस है, तो अगर आप इसकी केयर नहीं करते हो तो आराम से इसमें जो कि क्रैशेज आने की संभावना बढ़ जाएगी, या फिर आपका फोन है वो जो कि क्रैक भी हो सकता है। तो काफी ज्यादा स्लिपरी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ग्लास जो कि ब्रेक ना हो उस वजह से आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बैक केस लगाकर रखना पड़ेगा, या फिर आपको इसकी जो कि अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये देखने को मिली कि जैसे ही इस फ़ोन को मैं यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद मैं अपने जेब में रखने के लिए जाता हूँ जो कि फ़ोन को, तो ये नीचे गिर जाता है। तो नीचे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इतना जो कुछ जो कि नहीं था कि इतना कुछ जो कि डैमेज इस जो कि देखने के लिए मिल सके, लेकिन क्या है ये जो कि पोको H2 के साइड के कॉर्नर है ना वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो हाँ भाई, बैक साइड में आपको जो कि ग्लास मिल जाती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन साइड का जो बीच का ये पैनल है ना वो आपको मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट का, यानी कि प्लास्टिक का मिल जाता है। तो उस केस में अगर कॉर्नर के ऊपर अगर आपका स्मार्टफोन गिर जाता है तो वहां पर स्क्रैचेस या फिर डैमेज होने के काफी ज्यादा संभावना आ जाती है। जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे सिर्फ जेब के हाइट से ही गिर चुका है, और वहां पर से देख सकते हैं एक अच्छा सा बड़ा सा डेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मेक श्योर अगर इस फोन को आप खरीदने वाले हो या फिर खरीदा है भी, तो आप इसका हमेशा एक जो कि केस के साथ इसे रखना आपके लिए काफी ज्यादा मोस्टली होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे यहां पर से कोई प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन वो बताने से पहले इस वीडियो को अभी तक अपने लाइक किया है तो यार भाई का चैनल समझ के लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन है उसे जो कि प्रेस कर देना। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते तो वो है यार इसकी जो कि हीटिंग की प्रॉब्लम। अब हीटिंग की प्रॉब्लम आप बोलेंगे कि गेम खेलते वक्त या फिर चार्जिंग को लगाते वक्त ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो नहीं भाई, इसे जो कि गेम खेलते वक्त बिल्कुल भी आराम, यानी कि कुल साथ ये जो कि मतलब रन होता है या फिर चार्जिंग के लगाने के बाद भी हीटअप वगैरह नहीं होता है, ये हीट हो रहा है बेसिकली हम जो कि वाईफाई यूज करते हैं ना तब ये थोड़ा सा मुझे यूज होते हुए मतलब हीट होते हुए मुझे देखने के लिए मिला। अब हो सकता है ये प्रॉब्लम अब जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के मदद से इसे फिक्स किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसमें आपको जो कि वाईफाई यूज करते हुए तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और हीटिंग की दूसरी और जो कि काफी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली है कि जैसे हम जो कि फोन को यूज करते हो, यूज करने के बाद इसे रख कर हम और किसी जो कि काम करने के चक्कर में लग जाते हैं, और कुछ समय बाद आधा एक घंटे बाद जैसे हम जिस जो कि फ़ोन को यूज़ करने के लिए या फिर इसे जो कि उठाते हैं अनलॉक करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि आपका फ़ोन है हीट हो चुका है। जैसे कि आपने इसे जो सिर्फ रखा ही था और रखने के बाद इसे जो कि आप यूज़ करने लगते हो तो आपको लगेगा फ़ोन हीट हो चुका है। अब जैसे हीट होने के लिए मुझे लगा कि ये हीट हो रहा है, सो मैंने रिसेंट में जाकर देखा कि कोई रैम में एप्लीकेशन चल रही है बैकग्राउंड में वगैरह, तो मैंने देखा तो कोई भी मतलब बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह नहीं चल रही थी। फिर मैं फ़ोन को थोड़ा सा क्लीन वगैरह करता हूँ
लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कभी कभार ही आ रही है। अगर आपको फ़ोन दिन भर में देखते हो तो एक दो बार ये ऐसा कुछ जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर रहे हो तो हीट क्यों होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे कुछ जो कि एक एप्लीकेशन रहेगी जो कि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इसे जो कि बैटरी को कंज्यूम कर रही है, या फिर थोड़ा सा लोड है इसके जो कि प्रोसेसर को ऊपर डाल रहे, इस वजह से फ़ोन अगर आप रखते भी हो तो भी दिन में 4-5 बार इसके जो कि हीटिंग का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा प्रॉब्लम के बारे में, जो है यार इसका जो है बैटरी बैकअप। अब बैटरी बैकअप के हिसाब से देखा जाए तो 4500 एमएच की बैटरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है काफ़ी अच्छी बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, लेकिन उस हिसाब से इसका जो है बैटरी बैकअप है इतना अच्छा मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। चार्जिंग वो करते वक्त अगर आप इसे 27 वाट से चार्ज करते हो तो फ़ोन काफ़ी अच्छी तरह से फास्टली चार्ज हो जाता है, लेकिन बात आती है बैटरी बैकअप के बारे में तो जिस हिसाब से इसकी जो बैटरी बैकअप मिलना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब मुझसे ये कहोगे आप कि इसके में जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, इस वजह से इसकी जो बैटरी है थोड़ी सी अच्छी कंज्यूम होती रहेगी, तो इसे मैंने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी चलाया और साथ ही साथ 60 हर्ट्ज जो कि नॉर्मल है उसमें भी चला कर देखा, लेकिन बैटरी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, इतना ज़्यादा बैकअप मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए नहीं मिला है जिस हिसाब से 4500 एमएच बैटरी का बैटरी बैकअप मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर इसमें जो कि लगा है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि मुझे देखने के लिए मिला, वो है यार वाईफाई के यूजेस के बारे में। अब वाईफाई में क्या होता है कि जैसे हम इसे जो कि वाईफाई यूज़ करना चाहते हो तो हम इसके जो कि सेटिंग में जाकर वाईफाई का जो कि सेटिंग है उसे जो कि ऑन करते हो तो थोड़ा टाइम ये जो कि लेता है कि आप कितने कितने जो कि वाईफाई कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है ये दिखाने के लिए। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, डायरेक्टली हमने जो कि ओपन किया तो जितने भी जो कि अवेलेबल नेटवर्क है उसे जो कि खाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पर लगता है इसे जो कि वाईफाई के जितने भी जो कनेक्शन है रिसेंट में वो जो कि दिखाने के लिए। और जैसे हम इसे जो कि कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी जो कि वाईफाई को तो वहाँ पर क्या होता है कि ये कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन वहाँ पर भी इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर से आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे जो क्लिक किया तो काफ़ी टाइम बाद ये जो कि दिखाता है ऑब्जेक्टिंग आईपी एड्रेस, इस तरह से थोड़ा सा ये जो कि वहाँ पर ही बैठ जाता है 1 मिनट तक और उसके बाद ये जो कि कनेक्ट हो जाता है। तो वाईफाई में मुझे इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा है, आई होप कि नेक्स्ट आने वाले जो अपडेट के साथ ये थोड़ा सा फिक्स कर दे तो काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब ये तो कुछ जो कि प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे फेस करने के लिए पड़ी, बाकी ये जितने भी जो कि प्रॉब्लम मैंने आपको बताई वो बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है, लेकिन हाँ जो कि मैंने हीटिंग का प्रॉब्लम बताया जो कि हम नॉर्मली फ़ोन रखते हैं वो थोड़ा सा नोटिसेबल है, तो इसे जो कि फिक्स करना चाहिए, बाकी जो कि फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा कमाल का निकल कर आ जाता है। और मेरे एक सजेशन है पोको कंपनी के लिए, अब जैसे कि मैं काफ़ी एमोलेड वाले जो कि स्मार्टफोन यूज करता हूँ डिस्प्ले जो कि एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन, तो जैसे मैं इस जो कि फोन को मतलब यूज करता हूँ तो उस तरीके से कलर है ना जो कि एमोलेड डिस्प्ले में देखने के लिए मिलते हैं उस तरीके से कलर यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं मिलते, तो थोड़ा सा है ना मतलब यूजर एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा खराब होने के लिए लगता है। तो बस अगर आप मतलब सैमसंग के फोन यूज कर रहे हो अभी और उसके जो कि अपग्रेड कर आप जो कि ये स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सैमसंग के जितने भी जो कि स्मार्टफोन आप जो कि यूज कर रहे हो अभी तो उसमें सुपर एमोलेड का पैनल आ जाता है, अगर आप उससे हटकर इस जो कि स्मार्टफोन के ऊपर अपग्रेड करेंगे तो वहां पर आपको है ना मतलब थोड़े से कलर है ना डल लगने के लिए लगे, जैसे कि मेरे केस में हुआ है कि मैं काफी ज्यादा सुपर एमोलेड वाले पैनल का जो कि डिस्प्ले यूज करता हूं स्मार्टफोन यूज करता हूं उसमें मेरे स्विच होकर ये जो कि फोन है मैंने यूज करता हूं तो उस केस में मुझे थोड़े से कलर है वो जो कि इतने ज्यादा डल मतलब अच्छे लगने के लिए नहीं लगते। हालांकि इसका भी डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होता तो ये फोन है एक जो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, यानी कि ये जो कि फोन है अगर आपको मिल रहा है 16,000 या फिर 17,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में तो ये आराम से किसी भी जो कि सैमसंग का जो डिवाइस है जो कि 30,000 रुपए में प्राइस सेगमेंट में आते है उससे ये जो कि टक्कर दे सकता था। बस यहाँ पर एक ही कमी है कि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको ये कमी इस फोन की आपको काफी ज्यादा अच्छी या फिर बुरी लग सकती है। तो ये था पोको H2 का फाइनल रिव्यू मेरे इस जो कि चैनल पर। अब मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन कुछ जो कि प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे पता चली और मैंने सोचा कि ये मतलब वीडियो बनाकर आपको पूरी तरह से इसके जो कि प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताना चाहिए कि क्या कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिला इस जो कि यूज़ करने के बाद। और कोई भी फ़ोन है उसे लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो ही इस जो कि फ़ोन में जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना वो आपको समझ में आ जाती है, जो कि मेरे केस में हुआ कि इसका जो कि मैंने फाइनल रिव्यू बना डाला था लेकिन थोड़ा सा और यूज़
करने के बाद इसको जो कि प्रॉब्लम मुझे पता चली। तो बस सर इस वीडियो के साथ इतना ही। आई होप कि वीडियो देखकर आपको पोको एस टू के बारे में सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ पोको एस टू के बारे में और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है उसे भी यार जरूर प्रेस कर देना। और बस इस वीडियो के साथ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो और हो सके तो इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर कर सकते हो अपने जो दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें एंड गुड बाय।